हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप। मैं आपके लिए फिर एक और आज नई अपडेट लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। न्यूज़ ऐसी है ये, अब भारत के लोग भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर, यानी कि आप भी आसमान में उड़ने की सैर करने वाले हो, आप भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हो। इसी के साथ में हम एक मोटिवेशन है अपना, क्योंकि सुबह सुबह का मोटिवेशन मॉर्निंग मॉर्निंग का बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए चलते हैं इस मोटिवेशन की तरफ। सफलता हमको कहाँ तक कदम नहीं चूमने देती है, जब हम सफल होने के लिए जाते हैं तो हमारा कदम पीछे धकेलती है, तो कहाँ तक कदम नहीं चूमने देती है। लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश एक ऐसा माध्यम है, इन कोशिश के माध्यम से इंसान न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि जो काम हम सोच लेते हैं कि ये काम नहीं होएगा, पर लेकिन उसमें एक दो बार ट्राई अगेंस्ट अगेंस्ट करते रहो तो वो हमारा काम जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी न्यूज इंटरेस्ट न्यूज लेकर आता रहता हूँ साथियों। इन न्यूज़ के माध्यम से आपको भी पता चलता है, और मैं इन न्यूज़ को लिखित रूप से लेकर आता हूँ, क्योंकि आपने वैसे तो समाचार पत्र में बहुत सारे देखे होंगे न्यूज। इसरो तैयार कर रहा है स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट, इस साल के अंत तक होंगे तीन, क्योंकि इस साल के अंत तक तीन ट्रायल हो जाएंगे। इसमें टूरिस्ट एक फ्लाइट लॉन्च कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ आसमान और यहाँ हमारी ये धरती, तो इन धरती पर जाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए कुछ एक टूरिस्ट फ्लाइट लॉन्च कर रहा है इसरो। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो ये हमारा इसरो, तो हम देख ले हैं, अब भारत के लोग भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। अब अंतरिक्ष की सैर तो कर सकेंगे, पर करेंगे कैसे, इनके बारे में भी हमको पता करना अनिवार्य है, तभी तो जगह है। तो ये पूरा लिखित स्टेटमेंट है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा कल दिया गया बयान, जितेंद्र सिंह, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री जितेंद्र सिंह अभी वर्तमान में कार्यरत पदस्थ है। देखते हैं हम देश के लोग भी जल्द अंतरिक्ष शेयर करने का मौका इनको मिलेगा। आगे इनने स्टेटमेंट दिया, इसको लेकर इसरो इंपैक्ट टूरिज्म अप्लाई कर रहा है। आने वाले समय में दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का मार्केट कई मिलियन डॉलर का होगा। इस रेस में जल्द ही भारत भी शामिल होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, बहुत सारे मिलियन डॉलर का होगा। पर इनका स्टेटमेंट बोलता है कि इस रेस में भारत भी जल्द शामिल होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का कहना है, ये हमारे एग्ज़ाम में करंट ऑफ यूज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय अगर क्वेश्चन पूछ ही लेता है तो हमको जितेंद्र सिंह का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में साइंस इतना हावी हो चुका कि अंतरिक्ष पे जाना, चिड़िया की तरह उड़ना, ये हमारे लिए, तो मंत्री महोदय जी का नाम तो हमको जरूर जरूर याद रखना, अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की सबसे करीब सत्ता पर जाने के लिए स्पेस एजेंसी स्वदेशी अप्लाई कर रहा है। हाँ, अब इनका ये अच्छा बयान है, क्योंकि ये एक धरती है, ये एक आसमान है। अब इन आसमान के में जाने के लिए स्वदेशी
स्वयं का देश का, स्वदेशी का मतलब मिसाइल अप्लाई करने, मतलब ये अप्लाई करने की सोच रहा है। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने वाले मिसाइल या मिशन को भारत ने गगनयान मिशन नाम दिया है। इस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा नाम यही निकल के आया है कि जब अंतरिक्ष में जाने की सैर करेंगे तो किस मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाया जाएगा, गगनयान मिशन नाम दिया गया है। और ये करंट उपयोग से बहुत महत्वपूर्ण है। गगनयान मिशन किसे कहा जाता है? तो गगनयान मिशन वह है कि अब भारत के लोग भी अंतरिक्ष की सैर करने वाले। बता दें कि इस समय दुनिया के 61 देशों के साथ मिलकर इस एक्टिविटी के काम कर रहा है। अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने के लिए दुनिया की 3 कंपनियां ने अहम रोल निभाया है। दुनिया की 3 कंपनियां, अब इनमें 3 कंपनियां कौन सी हो सकती? इसमें सबसे पहले रिचर्ड ब्रेंसन की वेरिंग, और इसमें दूसरी कंपनी आती है जेब बेजोस, जो कि ये एक बिजनेसमैन है, इसकी कंपनी का नाम है ब्लू ऑर्गेनाइज। तीसरी कंपनी है एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी। इन कंपनी के माध्यम से, इन तीनों कंपनी के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्रीमान जितेंद्र सिंह जी ने गगनयान मिशन की तैयारी को पूरी कर चुका और इनको हरी झंडी देने के लिए वहाँ आगे आ चुका है, अपने कदम भी आगे बढ़ा चुका है। जल्द ही भारत 1 या 2 लोगों को स्पेस में भेजेगा, क्योंकि जब उनने ये सोच लिया कि भाई हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे और भारत में से 1 या 2 लोगों को भेजा जाएगा, इनके लिए भारत सरकार ने घोषणा कर दी। फिर इनके लिए ट्रायल भी किया जाएगा, भाई हम भेजेंगे तो किस आधार पे भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक छुपा होता है, उस लॉजिक को देखते हैं। अब एक और इनका बोलना है कि पहले 2 इंसानों को भेजा जाएगा। अब ये 2 इंसान कौन है कि जिनको भेजा जाएगा, कह सकते हो आप कौन है? अब इनमें 2 इंसानों को, उन इंसानों को भेजा जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट द्वारा स्पष्ट होता, साफ होता नज़र आ रहा है कि मिशन की स्पेस फ्लाइट में 2 इंसानों को भेजा जा सकेगा। पहले 2 इंसानों को, क्योंकि उनने ऑलरेडी पहले स्टेटमेंट में बोल दिया था कि 2 लोगों को भेजा जाएगा। ये लोग 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे, कितने दिन? ओनली 7 दिन रुकेंगे, के लिए वायुसेना के 4 पायलट को भेजकर स्पष्ट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? ये ट्रेनिंग रूस में दी जा रही है। एस्ट्रोलॉजी को गगननॉट बुलाया जाएगा और भारतीय वायुसेना के 4 पायलट प्रोजेक्ट के एक ग्रुप कैप्टन है और बाकी के लोग, यानी कि तीन कमांड है जिन्हें गगनयान मिशन के लिए शुरू किया गया है। अभी ने भी गगनयान मिशन मॉडल की ट्रेनिंग दी जाएगी बेंगलुरु में। अभी तो हमारे वर्तमान में बेंगलुरु में दी जा रही, पर इससे पहले ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो ट्रेनिंग दी जा रही थी वायुसेना के पायलट प्रोजेक्ट को रूस में, जो कि रूस दुनिया का एक सबसे बड़ा देश है और विकसित देश है, इसलिए उनने पहले ही घोषणा कर चुकी थी वो ये हमारे भारत की तुलना में टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसे देश दुनिया के बहुत आगे हैं। इन्हीं मामले को देखते हुए पहले वहाँ ट्रेनिंग सीखा है, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बेंगलुरु में बनाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी से संबंधित मामले और ट्रेनिंग यहाँ बेंगलुरु में दी जाती, बेंगलुरु कोलकाता ऐसे ऐसे शहरों में, ताकि देश का विकास हो। देखते हैं हम आगे, ऐसे होगा ट्रायल, ट्रायल 3 रूप से होगा। अब इनमें 3 रूप कौन से हो सकते हैं?
पहले ट्रायल में ऐसी स्पेस भेजी जाएगी जिसमें फ्लाइट में इंसान ना हो। अब इसमें तीन ट्रायल होगा। जब फर्स्ट ट्रायल होगा तो इसमें इंसान को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, आई समझ में बात। जब इंसान को नहीं भेजी जाएगी, खाली खाली फ्लाइट फ्लाइट जाएगी ओनली। अब इनमें देखते हैं हम दूसरा स्टेटमेंट। दूसरे ट्रायल में महिला रोबोट के साथ विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जब पहला ट्रायल होगा उसमें कोई भी नहीं जाएगा, दूसरे ट्रायल में महिला ओनली रोबोटिक रोबोट के साथ विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके साथ में क्या भेजा जाएगा? रोबोट। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि रोबोट के साथ में इनको भेजा जाएगा। तीसरे ट्रायल में दो लोगों को स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा। जब अंत का तीसरा ट्रायल होगा और जब ये कहाँ से भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा हमारे जो लोग रूस से ट्रेनिंग लेके आएंगे और फिर वो बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेंगे। बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने के बाद में वहाँ से इनको भेजा जाएगा। तो तीसरे ट्रायल में दो लोग को भेजा जाएगा, यानी कि ये ट्रायल तीन रूप में होगी। ये स्पष्ट रूप से पहले ही कर चुका है कि इसरो तैयार कर रहा है स्पेस टूरिस्ट फ्लाइट। इस साल के अंत में हो गए तीन ट्रायल, यानी दिसंबर में इन तीन ट्रायल के माध्यम से उनको स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा। तो अब इनमें हम ये भी देख लेते कि इनका क्या आएगा पूरा खर्चा, कैसे भेजा जाएगा। गगनयान मिशन पर 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। अब 10,000 करोड़ का खर्च कैसा आएगा भाई? दस हजार करोड़ का गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। पर यह घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2018 को लाल किले से। जब इनके माध्यम से 15 अगस्त 2018 को लाल किले से घोषणा की गई थी, जब वो दूसरी बार सरकार में आए थे, तब मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह घोषणा भी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। इसके लिए 2018 में ही यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। यूनियन कैबिनेट इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा ही इन बात टेक्नोलॉजी मिनिस्टर द्वारा और भी मंत्रालय द्वारा इनको मंजूरी दे दी गई कि ठीक है भाई 10,000 करोड़ का खर्च आएगा, हम भेजेंगे चलाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे। तो फिर एंस्टोट 7 दिन पृथ्वी के फ्लोर ऑर्बिट के चक्कर लगाए जाएंगे। फिर इनके लिए क्या किया जाएगा कि पृथ्वी के चारों चक्कर एक बार चक्कर लगाने के बाद में इनको भेजा जाएगा। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हम इनको वहाँ भेजेंगे तो इनके लिए हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि रूस में इनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो रूस में एक अंतरिक्ष पर जाने वाली एक एजेंसी है जो ट्रेन करती है और भेजा भी जाता है इनके द्वारा। उनका नाम है गुलाल कोसेस। उन एजेंसी से समझौता किया जाएगा, उसी के माध्यम से हमारे भारत में भी और भी लोग फिर अंतरिक्ष में जा सकेंगे। ठीक है साथियों, अपना वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद।